सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आपको आज हिंदी का पाठ 20 विप्लव गायन पढ़ाऊंगी। विप्लव गायन के रचयिता बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। ये आपके पाठ का पहले हम शब्द अर्थ जान लेते हैं। पहले है विप्लव, जिसका अर्थ होता है उथल पुथल। कवि रचयिता माने जो कविता की रचना करता है। तान, संगीत में स्वर विस्तार। हिलोर, हिलोर माने होता है बेटा लहर। वीणा, सितार की तरह एक प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र। आपने सरस्वती माता जी के चित्रों को देखा होगा, उसमें वो अपने हाथों में वीणा लिए हुए होती है। आन बैठी है समाई हुई। मिजराबे, सितार को बजाने के लिए हाथों में एक छल्ला और लोहे का छल्ला पहना जाता है, जिसे मिजराबे कहते हैं। वो उससे वीणा बजती है। विदर, विदर माने होता है हृदय। शुद्ध परेशान, दग्ध माने चली हुई। फणी, साप का फन, चिंतामणि, कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक कल्पित रत्न। सूत्र माने नियम, परख माने परीक्षा। ठीक है, जो है वो है हमारे बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण शर्मा जी जो है आपके, इन्होंने इस गायन का कविता का जो रचना की थी वो तब की थी बच्चों, जब हमारा भारत अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का जो शासन यहाँ पे था, उस समय ये कविता उन्होंने लिखी है। और उनसे अपने भारत को छुड़ाने के लिए जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए कविता उन्होंने लिखी कि हम अपने कर्म में, अपने कर्मठ में आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे ये, और क्षीण होकर मतलब रुक करके बैठ ना जाए, हम उसको आगे बढ़ाते रहे, उसके लिए हमारे मन में उत्साह होनी चाहिए। तो ये कविता उन्होंने लिखी है। चलिए अब इसका हम लोग सस्वर गायन करते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में, सावधान मेरी वीणा में, चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजराबे, टूटी है मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐसी हैं। अंगुली, कंठ रुका है महानाशिका, कंठ रुका है महानाशिका, मार्ग गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, आग लगेगी क्षण में, हृदय अब शुद्ध युद्ध होता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे की पंक्तियां आप भी साथ और दिन साथ गाइए। छल और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर में। छल और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर में। रुद्ध गीत की कुछ क्रुद्ध, गीत कुछ क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतर से, निकली मेरी अंतर से। आगे की पंक्ति में, कण कण में व्याप्त वही स्वर, कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है। कालकूट फणी की चिंतामणि, कालकूट फणी की चिंतामणि, आज देख आया हूँ, आज देख आया हूँ, हूँ जीवन के हर राज समझ आया हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, कहते क्या है कि आज देख आया हूँ जीवन की सब राज समझ आया हूँ। भूविलासिनी महानाशिकी, भूविलासिनी महानाशिकी, पोषक सूत्र परख आया हूँ, पोषक सूत्र परख आया हूँ। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अब इसके आगे बच्चों हम इसका भावार्थ समझेंगे, तो आपको पढ़ने में और आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने इसका सस्वर गायन किया था, अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। चलिए देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि अपने अंतर मन से को संबोधित करते हुए या उनसे अपने अंतर मन को बोलते हुए कहते हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ ऐसी तान या कोई रचना ऐसी सुनाओ, या ऐसा कोई गीत सुनाओ, या ऐसी किसी गीत की रचना करो जिससे
उथल पुथल मच जाए, जिससे उतर कर जो क्रांतिकारी हमारे थे बच्चों, उनको ऐसे कभी कहना चाहते हैं कि जो आप ऐसा कोई तांड सुनाओ, ऐसा कोई तांड की रचना करो, क्योंकि तो जिससे जो हमारे जो क्रांतिकारी जो क्षणिक हो चुके, जो तो भीड़ बैठ चुके हैं, उनके मन में एक उत्साह वर्धन हो जाए, वो एक क्रांतिकारी की जो लहर होती है उससे वो शुद्ध हो जाए, उत्साह वर्धन उनका हो, ऐसी कोई तांड, ऐसी कोई कविता की रचना करो। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, कहते हैं कि जो क्रांति की लहर, ऐसी कोई तान बनाना चाहिए, ऐसा कोई आप कविता की रचना करनी चाहिए कि जिससे कि एक क्रांति की जो लहर है वो उधर उसके आए, दूसरे उधर दूसरी ओर से, उधर से भी दूसरी ओर से भी क्रांति की लहर आए, यानी कि चारों ओर से सिर्फ क्रांति की लहर आए, जिससे कि हमारा भारत स्वतंत्र हो सके। जो भी छिड़क वहां पे बैठे हुए हैं, जो क्रांतिकारी अभी शुद्ध दुखी हैं, परेशान हैं, उनके मन में एक उत्साह वर्धन हो जाएगी, हम भी अपने भारत को आजाद करा सकते हैं, अंग्रेजों से अपनी जो हमारे समाज में जो कुरीतियां जो बुराइयां हैं उससे हम अपने भारत को मुक्त करा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई तान सुनाइए, ऐसी कोई तान की रचना करते हैं कि जिससे सारे क्रांतिकारी की उत्साह वर्धन हो जाए और वो उठ खड़े हों। आगे क्या कहते हैं कि सावधान सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। कह रहे हैं कवि की मेरे जो वीणा होती है, सर बच्चों कवि की वीणा क्या होती है, उनकी कलम। तो कह रहे हैं कि मेरी वीणा में जो मेरी जीवन रूपी जो वीणा है उसमें अब मधुर स्वर जो है वो नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन दुखी है। हमारा भारत देश अभी जो है क्या है, शासनों के अंग्रेजों के शासन में है, तो हमारा मन जो है वो दुखी हो गया, इसलिए उसमें जो है बच्चों वो मधुर गीत नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। कि उसमें कैसे गीत उत्पन्न हो रहे हैं, क्रांतिकारी गीत हो रहे हैं, क्रांतिकारी गीतों की चिंगारियां आन बैठी है, इसलिए उसमें मधुर गीत उत्पन्न नहीं हो सकती है। और आगे क्या कहते हैं कि टूट गई है मिजराबे, जो मेरी लिखने की जो है शक्ति है, जो बजाने की है, वो टूट गई है, अंगुलियां मेरी दोनों बैठी हैं, और उसका क्रोध से जो आक्रोश उनके प्रति हमारा है, उनसे जो मेरी अंगुलियां हैं वो ऐट गई हैं। और अंगुलियां ऐट गई हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं, नहीं, वो अपने आगे कहते हैं कंठ रुखा है महानाश का, कंठ रुखा है महानाश का, गीत जो उन्होंने लिखी है उससे कंठ का रुक गया है, महानाश का जो कंठ है वो रुक गया है। मारक गीत रुद्ध होता है, जो मारने वाले होते हैं उनका गीत जो है वो रुक गया है। आग लगेगी क्षण में हृदय अब शुद्ध युद्ध होता है, हृदय माने बच्चों यहाँ पे हृदय, हृदय जो है उनका वहां की परिस्थितियों को देख करके जो उनका हृदय वो परेशान है, वो दुखी हो गया है, उसमें अब आग उत्पन्न हो गई है, वो दुखी होकर के भयानक हो गई है। तो कह रहे हैं कि वो जो 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 उनके मन में जो एक ईर्ष्या दबी हुई है, जो क्रोध उन्होंने आक्रोश अपने मन में जो दबा लगा है, वो बहुत भयंकर हो चुका है, उससे है जो आग लगी है, उसे उन्हें आग लग चुकी है। आगे कह रहे हैं कि झाड़ झंकार दग दे, और जो बच्चों वो आग लगी हुई है उससे जो समाज में बुराइयां हैं, जो कुरीतियां फैली हुई है, जो शासन हमारे हमारे के हमारे जो पराधीन हम लोग हैं, तो उससे उन सारे चीजों में वो आग लग गई है, ज्वलंत हो चुका है। रुद्ध गीत का खुद तान है, रुद्ध गीत है उसका खुद तान जो है वो रुक गया, क्रुद्ध हो चुका है, भयंकर तान हो चुकी है। निकली मेरे अंतर मन से, कह रहे हैं कि मेरे अंतर मन से जो तान निकल रही है, जो मैं अंतर मन से जो लिखना चाहता हूँ, बच्चों भाव अपहरण हमारे कहाँ आता है, हमारे मन में आता है, और हमारे मन में अंतर मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसकी जो तान है, जो स्वर है, जो गीत का, वो क्रुद्ध हो चुका है, मन में वो क्रोधित हो चुके हैं। आगे कह रहे हैं कण कण में व्याप्त वही स्वर, कण कण में, अब बोल रहे हैं आगे कहते हैं इस पंक्ति में कि कण कण में व्याप्त हो चुका है, जो क्रांतिकारी की लहर आई है, जो हम क्रांति के लिए अपने मन में जो भाव उत्पन्न करते हैं, जो स्वर गाते हैं, वो अब क्या कहाँ कहाँ व्याप्त है, कण कण में व्याप्त हो चुका है, हमारे भारत देश में हर व्यक्ति के मन में वो गीत भर चुका है क्रांति की, कि मुझे अपना भारत आजाद कराना है, हम भारत छोड़ के शासक आप जाइए यहाँ से, तो वही गीत अब कण कण में व्याप्त है, रोम रोम गाता है वही सर। अब आगे कह रहे हैं कि जो क्रांतिकारी हैं उनके रोम रोम में अब यही गीत आ रहा है। आगे कहते हैं वही तान गाती रहती है,
हर व्यक्ति, हर जो जो हम लोगों को जो क्रांतिकारी है, जो हमारे है, वो सारे वही गीत गाते रहते हैं कि हमारा भाषा आजाद हो। आगे कह रहे हैं कि कालकूट पड़ी की चिंता मरु, जिस प्रकार से विषधारी जो नाग होता है बच्चों, वो अपने सिर पर मस्तक पर कंस मणि को धारण करके जो सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस गीत को, मतलब हम इस गीत की जो रचना करें, उस गीत को हमारे ये मस्तक पर सुशोभित होगा। आज देख आया हूँ मैं, आज उन सारी परिस्थितियों को देख आया हूँ, समझ आया हूँ जीवन के हर रात, समझ आया हूँ उन परिस्थितियों को, जान आया हूँ, समझ आया हूँ उससे मुझे कैसे निजात पानी है, उससे मुझे कैसे सावधान रहना है, ये सारी चीजें मैं अब समझ आया हूँ। भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आगे कह रहे हैं कि मैं इन सारी जो परिस्थितियां हैं उसको मैं अच्छी तरह समझ आया हूँ, और उससे कैसे हमें निकलना है, जो बुराइयां हैं उनसे हमें दूर कैसे होना है, उसे कैसे समझना है, उसका मैं परख, उसकी परीक्षा ले आया हूँ, और उससे कैसे हम निकलेंगे उसका भी सलूशन, जिसको हम कहेंगे कि प्रयास कर आया हूँ, सूत्र को नियम जो होती है वो मैं परख आया हूँ, समझ आया हूँ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे, आप पोषक से समझ आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे हम हाँ?